शास्त्रों में दिखाते हैं कि बड़े लंबे समय तक तपस्या की तो गंगा ऊपर से नीचे आई, नीचे तो आई लेकिन कहां समा गई, शंकर की जटाओं में समा गई, तो आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब हम बच्चे जानते हैं कि ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे आई और आकर के कहां समा गई, कब समा गई है? ज्ञान गंगा ऊपर से आई नीचे और समा गई, कहां समा गई है? शंकर की जटाओं में समा गई, शंकर की जटाओं में समा गई। अब फिर उनको तपस्या करनी पड़े तो फिर दोबारा तपस्या करते हैं, दोबारा तपस्या करते हैं तब गंगा जटाओं से इस षष्ठि पर आती है। तो अभी भी ज्ञान गंगा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। अगर ज्ञान गंगा की प्रत्यक्षता हुई हो तो उत्तर भारत के लोग जरूर समझ जाएंगे। अभी भी जटाओं में घूम रही है, जैसे जटाएं होती है ना, बड़े बड़े साधु संत होते हैं अपने आर्टिफिशियल जटाएं बनाते हैं, वो एक दूसरे से बाल चिपके हुए होते हैं, सुलझे हुए नहीं होते हैं। तो जटाओं में गंगा हिलगी हुई है। अभी भी एडवांस ज्ञान में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है। जब ज्ञान गंगा निकलेगी तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी, पुरुषार्थ ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन नियम बना हुआ है, पहले यमुना निकलती है, फिर पहले सूर्य की पुत्री यमुना निकलती है, उसके बाद बीच में सरस्वती आती है, सरस्वती बीच में आती है, बीच में ही चली जाती है, गुप्त हो जाती है, और लास्ट में गंगा निकलती है, अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं। तो हर हर गंगे हो जाती है। तो सर के ऊपर धारण किया जाता है, क्यों? पार्वती को गोद में बैठाया और गंगा को सर के ऊपर क्यों बैठा लिया? चंद्रमा को भी मस्तक पर बैठाया, सर के ऊपर नहीं चढ़ाया, मस्तक में थोड़ा नीचे दिखाते हैं, और गंगा को एकदम सर के ऊपर। तो कोई कारण रहा होगा ना। फिर गाते हैं राम तेरी गंगा मैली, अरे कब मैली? सागर से कनेक्शन है तो मैली, या सागर से कनेक्शन टूटा हुआ है तो मैली? ज्ञान सागर से कनेक्शन नहीं होता है तो नदी नाला बन जाती है, सागर से कनेक्शन होता है तो नदी पतित पावनी बन जाती, वो भी भारत की नदियों का गायन है। भारत में भी दक्षिण भारत की नदियों का गायन नहीं है पतित पावनी, किसका गायन है? उत्तर भारत की नदियों का गायन, भारत की महिमा है। विदेशी नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, भक्ति मार्ग में कोई विदेशी नदियों में स्नान करने के लिए मेले लगाते हैं? नहीं लगाते, नदियां तो विदेशों में भी है, वहां क्यों नहीं स्नान करने जाते? क्योंकि विदेशों में ऐसा तो नहीं है कि विदेशों से नदियां नहीं निकलती, ज्ञान वाली निकलती है या नहीं निकलती है? निकलती तो है, लेकिन वो सर के ऊपर सवार होने योग्य पुरुषार्थ है।
नहीं करती। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बहुत सर्विसेबल होता है, तो बाप उसको प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। ओम शांति।